और चुनाव कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में भोकाल मचा दी। मेरा काम था मेहनत करने का और मैंने वो मेहनत अपनी बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करी। और मेहनत ही करनी चाहिए, जितना कि कम समय हमारे पास था, 17 दिन के करीब हमारे पास थे, उन 17 दिनों में जितनी मेहनत जी तोड़ के, मुझे इतना पता था कि मुझे हर गांव में जाना है, तो मैंने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करी, मेरी पूरी टीम ने मेहनत करी और हम लोगों ने हर गाँव में अपना जाना भी पूरा किया जो हमारा मन है। ठीक, दूसरी बात, रिजल्ट जो होगा वो है बाद की बात है, वो उस परमात्मा के हाथ बात है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है ना, क्या अच्छा हमारे लिए, क्या जनता के लिए अच्छा करता है, कैसे करता है। फिर दूसरा, वहाँ पे सिस्टम भी थोड़ा सा ऐसी था जैसे था कि चेंज चीजें मिल रही थी देखने को, तो बाकी तो सब बढ़िया रहा। और मेहनत करने के लिए जैसा रहा, डरे हुए हैं सारे कैंडिडेट, तो निकल रही है सीट पूनम की। देखिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी चीज है, मैं वहाँ पे 17 दिन मुझे मिले, सिर्फ 17 दिन। 17 दिन में जो जनता ने मुझे इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा सम्मान, हर गांव में जा रहे हैं, इतना आशीर्वाद लोग मुझे दे रहे हैं, वो जो जीत होती है ना, वो हर किसी के हिस्से नहीं आती है, तो वो जीत मेरे हिस्से आई। और आपको ये भी देखने को मिला, जितना ज्यादा आशीर्वाद, जितना ज्यादा प्यार कम समय में और मुझे जनता ने दिया, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने दिया, वो किसी के हिस्से नहीं आया। ये जीत जो अभी चुनाव वाली है, इससे ऊपर वो जीत है, लेकिन बाकी जो रिजल्ट होगा वो परमात्मा ईश्वर रिजल्ट चाहे जैसा हो। लेकिन बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जमाने जब थे पूनम के, चलिए देवेंद्र लोधी बोला। देखिए, देवेंद्र लोधी जो है उनको आप इतना फेम उस चीज में दो ना जो उन्होंने नहीं करा। ठीक, उनका काम ही ये है, उनका काम है, अगर उनसे आप विकास की बात करोगे तो वो नहीं दिखा सकते। आपने एक चीज देखी होगी, मैंने अपने पेसु लाइव चला चला करके दिखाया, जो सड़कें रिकॉर्ड में ये दिखा दी कि ये सड़क बना दी, इसका इतना पैसा लग गया, इतना वो, और वो सड़क देखी कैसी कैसे वहां की जनता। एक गाँव में हम गए थे, सारा गाँव गुजरो भाइयों का था, तो वो बेचारे इतने परेशान थे कि मतलब यहाँ पे ये रोड देखिए आप बना दी, यहाँ बोर्ड भी लगा दिया सांसद का, जो हमारे सांसद है वहां से बुलंदशहर से, उनका भी और विधायक का भी, कि हमें इतना पैसा लगा दिया लेकिन नहीं लगाया, रोड भी नहीं बनी है। तो इनका ये काम है, ये दूसरे को इस तरीके की बात बोले क्योंकि ये है ऐसे जग कैसा मुझ जैसा, वो वाला सिस्टम इनका है। चलिए मैं सवाल करता हूँ, अगर पूनम चुनाव जीतती है तो पूनम का लेवल क्या होगा, अगर हारती हैं तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं जो है चुनाव जीत चुकी हूँ, जितना ज्यादा सम्मान, जितना ज्यादा आशीर्वाद, जितना ज्यादा प्यार इतने कम समय में मुझे मिला, और मैंने जितनी मेहनत की और मेरी टीम ने जितनी मेहनत की, 17 दिन में कहीं किराए पर कमरा कोई नहीं ढूंढ पाता, और मेरे को सबने अपने घर में, अपने गाँव में, पूरी विधानसभा में मुझे जगह दी, ये बहुत बड़ी जीत है, इस जीत से ऊपर है। दूसरी बात, जब जीतते हैं तो जो काम पुराने विधायकों ने नहीं किया, जो काम मौजूदा विधायक ने वहां के नहीं किया, वो काम करने का हमारा कर्तव्य बनता है, कि हमें चुना किस लिए जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं आप पहले से कमियां देख रही हैं कि मुझे वक्त कम मिला बाहर की, वैसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो देखिए मिला उसमें क्या झूठ बोल सकते हो आप झूठ बोल सकते हो इस बात को, जो चीज हुई है, लेकिन उस समय कम में मैंने इतनी मेहनत की, वो मेरी पार्टी को दिख रही है, वो मेरी नेता को दिख रही है, वो मेरी टीम को दिख रही है, वो मेरी विधानसभा की जनता को दिख रही है अच्छे से, तभी उन्होंने इतना सम्मान दिया, नहीं तो आपको भी पता कि इतना कम समय में आप क्या कर सकते हो। दूसरी बात, हमें उस परमात्मा पर, ईश्वर पर हम विश्वास करने वाले लोग हैं, ना कि हम तोड़ने वाले लोग, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तो इसलिए हमें परमात्मा पर भरोसा है कि हमने जो मेहनत की जीवन में, आप देखना कभी भी कोई मेहनत करता है, थोड़े समय लेट हो सकती है उसकी मेहनत जो वसूल करेगा परमात्मा, थोड़े समय लेट उसको रिजल्ट देगा, लेकिन देगा जरूर। ऐसा है कि जो लोग थे, कुछ ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो पूनम पंडित है उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लोग जुड़ रहे थे, जैसे वैसे की भीड़ आ जाती, वोट नहीं मिलते, ऐसा तो नहीं थी? देखिए, मुझे इतना नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि जितना सम्मान, जितना प्यार मुझे वहाँ के लोगों ने दिया, जैसे देश ने प्यार दिया, फिर लोग बोलने लगे कि एक विधानसभा पे भेज करके देखो, कोई इनको देखने तक भी नहीं आएगा, मिलने तक नहीं आएगा, तो उनको उन्होंने गलत साबित कर दिया ना, जनता ने आशीर्वाद पूरा भर के दिया ना। आप किसको जीत समझते हो? ये वोट की जो जीत है ये तो है ही जरूरी, लेकिन इससे ऊपर एक जीत जो होती है वो मुझे नसीब हुई है। वोट की जीत नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल वोट की जीत भी होगी, अभी समय है, अब समय को तो आने दीजिए। पक्का जीतेंगे पूनम पंडित? मैं तो जीत चुकी, मुझे इतना सारा प्यार आशीर्वाद मिला है, कहीं और कॉन्फिडेंस तो नहीं है? जैसे निरहुआ ने बोला था कि अखिलेश यादव के सामने मैं कंफर्म जीत रहा हूं, लेकिन हारे बात। देखिए, मेरी बात सुनिए, निरहुआ जो थे उनका ओवर कॉन्फिडेंस था, उन्होंने तो ये भी बोला था कि मुझे भगवान भी नहीं हरा सकता, लेकिन उस ईश्वर के हाथ सारी चीज है। मुझे जो जीत हासिल हुई, आप ये बता दीजिए कितने कैंडिडेट को हासिल हुई ये वाली जीत, जो इतना सम्मान, इतना आशीर्वाद, इतने अपने बच्चों को प्यार देना, कि किसको हुई नसीब? इतनी सारी सीटें, 403 विधानसभा है, आप उन पे सभी का रिकॉर्ड उठा करके देख लो, है ना, और देश में इतनी सारी विधानसभाएं हैं, जितना आशीर्वाद, जितना सम्मान मुझे दिया, ये मतलब मेरे मन की जो बात है, जो मेरे खुद की इच्छा है, मेरी नज़रों में ये जीत इस चुनावी जीत से कई गुना ऊपर है, और मैं चुनाव अगर कल को जीतती हूँ ना, तो फिर भी मेरे लिए ये जीत सबसे ऊपर होगी, चुनाव की जीत इसके नीचे होगी। अच्छा, पूनम बोलती थी कि 403 विधानसभाओं पर रुख करेंगे,
लखनऊ में है, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मेरा चुनाव 10 तारीख को मेरा खत्म हो गया था, 11 तारीख को तुरंत मैंने जाकर के असमोली विधानसभा पे 11-12 में मैंने सपोर्ट किया, वहाँ पे जो कैंडिडेट हमारे कांग्रेस से है, फिर अमृतपुर विधानसभा में। तो जो मैंने किया, जो मैंने बोला, वो वादे मैं पूरे कर रही हूँ। अब मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि जैसे चुनाव लड़ने वाला आदमी घर में बैठ जाए, तो मैंने सीधा बोला पार्टी को कि मैंने कहा भैया मैं ठाली नहीं बैठना चाहती, मैं तो अपना वो काम करना चाहती हूँ जिसके लिए मैंने आपके सामने बोला था। तो उसी लिए प्रियंका दीदी का आदेश हुआ कि पूनम को खूब दौड़ाओ, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे मन की बात को समझा। दीदी ने बीजेपी बोल रही कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में वनवास पे है, ये मेहनत नहीं जाए तो नहीं है? देखिए अच्छी बात है, हम तो वनवास पे, मान लीजिए वनवास किसने काटा? भगवान राम ने। तो अच्छी बात है कि वो हमें उस नजर से देख रहे हैं। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? तुम गरीबों के वास खत्म करने में हो, तुम गरीबों को खत्म करने में हो, तुम शिक्षा खत्म करने में हो, तुम स्वास्थ्य सुविधाएं खत्म करने में हो, तुम देश का विकास खत्म करने में हो। हम तो वनवास में, भगवान राम ने वनवास काटा तो क्या हुआ, हम इंसान नहीं काट सकते? शुक्र है कि हमारी उस लिस्ट में नाम उन्होंने खुद ही जोड़ दिया। तो आगे का क्या प्लानिंग है पूनम पंडित? ये मैं अगर चुनाव जीतती हूँ तो मैं वहाँ के लोगों की जितनी समस्या जो और विधायकों ने नहीं करी 30 साल से, उस विधानसभा पे स्पेशल विकास ही रुक गया, तो हम उस विकास को करना, स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें जो बेहतर करनी है, सिस्टम बड़े खराब है, शिक्षा जो है आप शिक्षा का ही बेड़ा खराब करने लग रहे हो, है ना? तो शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, और आवागमन जो है ना वहाँ पे सड़कों पे, दिल्ली का रास्ता 3 घंटे का, वहाँ से सड़क इतनी खराब है, मेरे से ज्यादा जानो गांव में ट्रैक्टर बुग्गी पलट जावे, आदमी का हादसा हो जावे, पानी भर जावे बारिश में। एक गांव तो ऐसा था, हम उसमें गए तो वहाँ पुले डाल डाल करके गाड़ी निकली, मुंजी के पुला हो ना, वो डाल डाल करके हमारी खुद गाड़ी निकली, तो ट्रैक्टर बुग्गियों का वहाँ क्या हालत होगा? तो इसी चीज को हमें सुधारना, इसी व्यवस्था को हमें सुधारना, और वहाँ पे वैसे भी फल की जो लाइन है वो ज्यादा है, तो उनको वहाँ का मूल्य नहीं मिलता, है ना? ये सारी चीजें हैं जो हमें, लोगों का कहना है कि जो भी विधायक से जीतता कोई आता नहीं है। नहीं, तो ये भी कहा जब मैं गांव में गई कि आज तक तो यहाँ विधायक वोट मांगने भी नहीं आए, आप आई तो सही यहाँ पे, तो मैं उस चीज को नहीं कभी करूंगी जिससे कि लोगों को तकलीफ हो या फिर चंद लोगों को बोलने का मौका मिले। मैं आज भी वहाँ जाती थी और जैसे मुझे घर मिला, और आगे भी मैं वहाँ जाती रहूंगी, उनकी समझ के मैं किसी चीज में जाऊँ या ना जाऊँ, मैं उनके दुख में दर्द में और मैं उनकी समस्या में जरूर जाऊंगी। चाहे एक बार को मैं शादी फंक्शन में ना जा पाऊँ तो वो बड़ी बात नहीं है, इंसान को दुख में खड़ा होना चाहिए, उनकी समस्या में खड़ा होना चाहिए। जब भी उनके पूरे, अब हमने पूरी स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि अगर हम जीतेंगे तो कैसे कैसे हम गाँव के काम कराएंगे। आपकी चुनावी कैंपेन में 22 से 23 गाड़ियां चली, इतना मोटा खर्च, बड़ा खर्च, उसको कैसे आपको हैंडल किया? देखिए मेरी जो गाड़ियां है, गरीब परिवार से, सुन लीजिए बिल्कुल, मैं, मेरे को सपोर्ट किया, मेरी जो गाड़ियां थी परमिशन की, वो सिर्फ मेरे पास 3-4 गाड़ियां परमिशन की थी, ठीक है? बाकी जो लोग खुद आ रहे थे, मुझे खुद सपोर्ट कर रहे थे, जिनसे मैं पहली बार मिल रही थी, मुंबई से, उत्तरांचल से, और ये तुम्हारा हिमाचल प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, वो सभी लोग आकर के मुझे सपोर्ट कर रहे थे, किसान नेता आकर के मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मध्य प्रदेश के मेधा पाटकर जी की टीम से, है ना, राजस्थान से अंगदर भी आकर मुझे सपोर्ट कर रहे। तो अच्छी बात है एक बेटी के लिए, जितना इतने दूर दूर के राज्यों से सपोर्ट कर रहे, मुझे अच्छा लगा। तो ये उनका सपोर्ट मेरे लिए, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि मैंने भी एक समय उनकी आवाज उठाई, उनको ये चीज याद है, उनको ये चीज याद है, तभी तो वो मेरे सम्मान में, और मैं उनसे वादा करती हूँ कि मैं आपके आने वाले समय में हर वो आपकी आवाज उठाती रहूंगी। ये बताइए ना, पूरा मध्य प्रदेश से आए, राजस्थान से आए, हरियाणा से आए, चुनाव यूपी का, तो उनके आने से क्या फायदा मिलेगा? देखिए सपोर्ट जो होता है आदमी कहीं से भी कर सकता है, सपोर्ट ही तो चाहिए ना। सपोर्ट, रही बात यूपी की, यूपी के कितने सारे लोग मेरे साथ थे आपको भी पता है, दीपेंद्र हुड्डा जी भी हमारे उसमें सपोर्ट करने आए, प्रियंका दीदी आई, है ना, और जाट जो नेता है किसानों के वे मेरे साथ थे, और पंडित भी मेरे साथ थे, और लोधी समाज जो होता है, कहते हैं ना वहाँ पे कि लोधी कभी नहीं कटता, ये वो लोधी समाज ने भी मुझे सपोर्ट किया, दलितों ने मुझे सपोर्ट किया। आप किसानों की आवाज उठाई, 1.5 साल आप किसान आंदोलन में रहे, कोई बड़ा चेहरा है आपको किसान आंदोलन से? देखिए उनकी जो यूनियन है, उन्होंने एक प्रोटोकॉल अपनी यूनियन का बनाया हुआ है कि हम किसी उसको सपोर्ट करने नहीं जाएंगे कैंडिडेट को, लेकिन वैसे तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं। देखिए बंगाल वो जो पहुंच गए थे, वो अपने बैनर के नीचे पहुंचे थे,